सापर कहता है और उनकी रचना को कोई जानते हैं कि सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया को पांच विकारों को कहा जाता है, संपत्ति दान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही होते हैं। साधु संन्यासी आशीर्वाद नहीं देते हैं क्या? संपत्ति दान भव वो भल आशीर्वाद देते, लेकिन वो उनका आशीर्वाद जो है वो अल्पकाल का है। वो आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, लेकिन वो भी अल्पकाल का। पुत्रवान भव वो भी अल्पकाल का, क्यों? क्योंकि बल पुत्र पैदा हो जाए लेकिन कोई गारंटी गारंटी नहीं है कि वो जीवित ही रहेगा, सुखदायी होगा। बच्चा पैदा हो जाए और दुखदायी हो जाए, पुत्रवान भव ये वरदान हुआ ये अभिशाप हो गया? अभिशाप हो गया। बच्चा पैदा हो और वो बच्चा माँ बाप के लिए दुखदायी बच जाए तो पुत्रवान भव का वरदान हुआ या अभिशाप हो गया? अभिशाप हुआ ना, इसको वरदान तो नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा बाप ये जो तीनों वरदान देते हैं इनमें किसी प्रकार की अभिशाप की तो बंद हो ही नहीं सकती। वरदान ही वरदान होता है और अंतकाल का वरदान नहीं, 21 जन्म के लिए वरदान। 21 जन्म में कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें तुमको बच्चा पैदा नहीं, पुत्रवान भव ये असली वरदान हुआ। आयुष्मान भव कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें अकाली मौत हो, तो आयुष्मान भव का सबका वरदान बाप आकर के दे। और संपत्ति बंधन देवताओं जैसी संपत्ति को और किसी के पास होती है,